मुश्किल तरीन वक्त में आप सब ना उम्मीद होकर वापस जाने का किसकी भूमिका निभाएंगे आगामी फिल्म 83 में। फिल्म के शूटिंग के दौरान आखिर क्यों नहीं था बोमन ईरानी फील्ड पर। बॉलीवुड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत है। बोमन ईरानी फिल्म में फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन और विकेट कीपर फारूक इंजीनियर की भूमिका निभाएंगे। फारूक मानिकशा इंजीनियर एक फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर और बैट्समैन है जिन्होंने देश के 46 टेस्ट और 50 ओडीआईज में रिप्रेजेंट किया है और उनका क्रिकेट की पारी 15 साल लंबी रही थी। वह एक अटैकिंग बैट्समैन थे जिनकी एक तेज तरार पर्सनालिटी थी। बोमन ईरानी आखिरी बार पीएम नरेंद्र मोदी की फिल्म में नजर आए थे। पीएम नरेंद्र मोदी में वह फेमस इंडस्ट्रियल रतन टाटा की भूमिका निभाते देखे गए और अब जल्द ही फिल्म 83 में वह फारूक इंजीनियर की भूमिका निभाएंगे। फारूक इंजीनियर 1983 के वर्ल्ड कप मैच के एक लौते ऐसे कमेंटर हैं जो कि भारतीय थे। साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन बैनर नाडियाडवाला ग्रैंडसन ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि 83 फिल्म में बोमन भी नजर आएंगे और कैप्शन लिखा कि वो आदमी जिसने बोला था कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीतेगा तो नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाएगा। बोमन असल जिंदगी में भी फारूक के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी इंस्टाग्राम फोटोज जिसमें वह फारूक जैसे नजर आ रहे हैं भी शेयर किया उन्होंने सबूत के तौर पर। बोमन ईरानी कबीर खान की फिल्म 83 में अपने किरदार को देखते हुए अपने ज्यादातर वक्त कमेंटर्स बॉक्स में बिता रहे थे। वहीं वो अपनी भूमिका परफेक्शन के साथ निभा सके और अपने डायलॉग्स को सही कर सके यही वह बोलना चाहते थे। हालांकि उन्हें फील्ड पर बाकी एक्टर्स के साथ 83 के वर्ल्ड कप में यादगार पल को रिक्रिएट करने का मौका नहीं मिला। रणवीर और उनकी पूरी टीम ने पूरी मेहनत की है 83 का क्रिकेट वर्ल्ड कप को स्क्रीन पे अच्छी तरह दिखा सके और जब ऑडियंस फिल्म देखना है तो उन्हें वह रियल और अद्भुत लगे। बोमन को इंडस्ट्री में आए हुए काफी टाइम हो चुका है और वह अपने डायनामिक रोल से सभी को इंप्रेस कर चुके हैं। बोमन ने बताया कि फारूक इंजीनियर के साथ वक्त गुजारना, उनके घर पर रहना उनके लिए एक सपना सच होने जैसा था। इस अनुभव ने उन्हें इंडिया पाकिस्तान मैच की याद दिला दी जिन्होंने बचपन में देखा था। उन्होंने यह भी बताया कि फारूक के साथ वक्त गुजारना, उनसे सवाल करना और उन्हें ऑब्जर्व करना ये सब उनके प्रिपरेशन का पार्ट था और वह एक बहुत ही इमोशनल इंसान है जो बोमन को भी अनुभव हो गया था पहले से ही। बोमन ईरानी ने खुद बताया कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में शूटिंग करना काफी इमोशनल था सबके लिए। उन्होंने यह भी बताया कि ये मैच उनके जवानी का सबसे मेमोरेबल इवनिंग में से एक था। अगर आपको यह लगता है कि फारूक अब्दुल भूमिका में घुस पाएंगे उनकी तरह या नहीं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है संस्कृति जलन ने और मैं हूँ पूनम। धन्यवाद।